हमारे बहुत लोकप्रिय और यशस्वी बेहतर कश्मीर शांति रहे। मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय करवट और यशस्वी कृषि मंत्री संकट के समय गांव गांव ट्रैक्टर चला चला के भी पानी में पहुंचे, ऐसे हमारे साथी आदरणीय कमल पटेल जी, भाई आशीष जी, मनोहर भैया, हमारे अध्यक्ष अमर सिंह जी, रमेश जी, संजू जी, विजय पटेल जी, सुरेंद्र जी, सभी साथीगण और हंडिया और आसपास के मेरे बहनों भाइयों बेटे बेटियों, सबसे पहले आज मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न प्रणब दा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो देश के गौरव थे, राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने जो काम किया वो अद्भुत और अभूतपूर्व था। सचमुच में तो वो देश के प्रधानमंत्री बनते जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उनकी अंदरूनी राजनीति में उसकी चर्चा नहीं करूंगा, इसके कारण वो वंचित रहे। मैं पहले उनके चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन आज जो कार्यक्रम है जनता की सेवा का कार्यक्रम, गरीब किसान परेशान थे और इसलिए राजकीय चौक में उत्सव नहीं हो सकते, समारोह नहीं हो सकते, लेकिन जनता की सेवा के कार्यक्रम नहीं रुकते। मैं समझता हूँ ये भी प्रणब दा को श्रद्धांजलि ही होगी कि हमने जनता की सेवा के काम को नहीं रोका। मेरे प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, लगभग 5 महीने हमारी सरकार बने हुए हैं, उसमें से मैं जब आया तो उसके पहले कोरोना मध्य प्रदेश में आ गया और कोरोना के कारण सबसे बड़ी चुनौती थी, कोरोना से निपटने के लिए नई बीमारी थी, निपटने के रास्ते नहीं थे, दवाई का पता नहीं था और पिछली सरकार ने ना अस्पताल, ना पीपी किट, ना दवाई, ना टेस्ट, ना पैसा, ना देना, किसी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। 9 बजे समझ लेकर 10 बजे बंद भवन पहुंच गया और तत्काल पहले कोरोना के संकट से निपटने की तैयारी की। 1-2 महीना तो अकेले काम करता रहा क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की स्थिति भी नहीं थी और बाद में फिर हमें 4 साथी और मिले कमल जी सहित। आज से मिलकर दिनों रात सेवा के काम में लगे रहे। अब एक तरफ कोरोना कंट्रोल कर रहे, फिर फसल खराब होने लगी तो वो देख लिया और उसके बाद ये बाढ़ का संकट आ गया। मुझे लगा कि भगवान भी परीक्षा लेता है, या कई बार हम ये सोच रहे थे कि इतनी जल्दी तो हमने सोचे नहीं था कि फिर से बन जाएगी हमारी सरकार, लेकिन शायद ये कष्ट का समय आने वाला था, इसलिए परमात्मा की इच्छा थी कि इससे निपटने के लिए हम लोगों को भेज दे और हम लोग बेहतर से बच सकते। कांग्रेस के मित्र में राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं आश्चर्य का 2-3 दिन से बयान दे रहे कि मुख्यमंत्री कमल पटेल सरकार तो बाढ़ टूरिज्म कर रहे हैं, वो कभी घर से निकले नहीं, जनता में गए नहीं, अब हम निकल रहे हैं उसमें भी तकलीफ हो रही है। अरे निकलते वो है जिनके दिल में तड़प होती है जनता की सेवा की, निकलते वो है जिनमें हिम्मत होती है जनता के सामने भी, वो तो निकलते ही नहीं। लेकिन मैं ऐसे आरोप की चिंता नहीं करता, हमने कोरोना को भी नियंत्रित करने का काम किया, लड़ते रहेंगे उससे। लेकिन आज मुझे कहते गर्व और खुशी है, मैंने देखा जब से कृषि मंत्री कमल पटेल बने, गांव गांव में किसानों के बीच में मतलब भवन में बैठ के लगातार कैसे किसान कल्याण के काम हो, लोगों की तकलीफ दूर हो, दिनों रात सचेत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और हम लोग जो फिर से सरकार बना के आपके बीच आए, पहला धर्म है हमारा अपनी जनता की सेवा का, पहला धर्म इसके सरकार और जनता अगर तकलीफ में हो हम बंगले में नहीं बैठ सकते, हम घरों में नहीं रुक सकते और इसलिए जब खाते गाँव से तो सोया नहीं देखते क्या, रात में शाम से खबर आने लगी भारी बारिश हो रही कि मैं तो संभाग
नरसिंहपुर में, डिंडोरी में, मंडला में वर्षा के सारे रिकॉर्ड टूट गए, बरगी भटिया बरगी के गेट खुल गए, फिर तबाह की खबर आई, फिर बारना की खबर आई, एक कोलार की खबर आई, एक एक करके बांध ओवरफ्लो होते रहे। मैंने ये भी कोशिश की है कि कैसे बांध को रोक के एक का पानी फिर दूसरे का पानी छोड़े, फिर तब तक सब ओवरफ्लो हो गए, पर बाद में अधिकारियों ने जवाब दिया कि अब अगर बांध का पानी रोका तो कोई बड़ी दुर्घटना की संभावना है, फिर कुछ नहीं बचेगा। अब ऐसी स्थिति में रात शाम से ही हमने प्रयास शुरू किए, अफसरों को लेकर मैं पूरी रात 29 तारीख की रात भर बैठा रहा, कंट्रोल रूम बना के आंख से आंख नहीं लगाई, क्योंकि जगह जगह से फोन आ रहे थे, यहाँ डूब रहे, यहाँ पानी बढ़ रहा है, यहाँ पेड़ पर बैठे, यहाँ से बचानो मामा, कमल भी सक्रिय रहे, लगातार हाथी घूमते रहे, हमारे कार्यकर्ता यहाँ के विशाल तिवारी, गौरव तिवारी, व्यापारियों से राहुल खत्री, युवा मोर्चे के अध्यक्ष, बजरंग सेना के अध्यक्ष, संघ के स्वयं सेवक, भाजपा के कार्यकर्ता, वो भी लगे रहे, लेकिन हमारे डीजीपी, हमारे चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, पुलिस के साथी, एनडीआरएफ, और फिर मुझे लगा कि इस तरह काम नहीं चलना, तो हमने एनडीआरएफ मंगाया, फिर मुझे लगा एक और दिक्कत है, तो रात में रक्षा मंत्री जी से बात करके हमने कहा आर्मी भेजो, सेना भेजो, क्योंकि ये खबर आ रही थी यहाँ फंसे निकालो, यहाँ तो नौजवानों ने निकाल दिया, आप सबने निकाल दिया, लेकिन कई जगह हमें नावों से निकलवाना पड़ा, और फिर हमने एयरफोर्स को खबर करके फिर हमने तो हेलीकॉप्टर भी बुला लिए, और मुझे खुशी है कि एयरफोर्स के जवानों ने 300 लोग जो अलग अलग जगह कोई पेड़ पर टका था, कोई टापू में फंसा था, 300 लोग हवाई जहाज से पकड़ पकड़ के हेलीकॉप्टर से उठवा के और उनको सुरक्षित निकाल दिया। 48 घंटे आंख से आंख ना आपने लगाई, ना इनने लगाई, ना हमने लगाई, क्योंकि अगर वैसे समय सो जाते तो कोई बड़ी घटना घट जाती। एक संतोष है कि जान बचाने में हम सफल रहे, नर्मदा मैया जी के पास, भगवान के आशीर्वाद से, ऐसी परिस्थिति में जो लोग बाढ़ में घिर गए थे उनको सफलतापूर्वक निकाल लिया। कल मैं औरंगाबाद जिले के एक बहुत इंटीरियर के गांव में गया, वोट से गया, हम तो बचने की संभावना ही नहीं, आर्मी ने वहां से भी रेस्क्यू किया, अब जान को बच गए, भगवान को और मैया को धन्यवाद प्रणाम, लेकिन जान भी तो बचाना है, अब लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लाना है। भैया मैं ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कि संकट आए तो भवनों को छुप जाए, मेरे ही जनता को देना पड़ेगा, और पिछले साल के भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने आरोप लगाया कि हम पर्यटन कर रहे हैं, पिछले साल के बाढ़ राहत के पैसे आज तक पिछली सरकार ने नहीं दिए हैं, लेकिन आज हम कहने आए कि ये बात भी सही है। आपने आज भी देखा होगा आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, कोरोना के कारण पैसे आए नहीं, खजाना खाली है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं क्या करूं, मेरे बात भी सही नहीं, अरे कहीं से भी हम लेके आएंगे, लेकिन गरीब और किसानों को इस संकट से पार नहीं कर सकते, इस संकट के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग काय करते हैं, ये तमाम संकट के बावजूद तत्काल हमने कहा सर्वे प्रारंभ करो, और सब सर्वे हो गए, घरों का सर्वे भी हो गया, अनाज सड़ गया, बर्तन कपड़े खराब हो गए, अगर किसी का मकान ढह गया है, गिर गया है, गिरने की स्थिति में है, और फसल जितनी है उसका भी सर्वे होगा, फसल बीमा योजना की हम दोनों लड़ते रहे, पहले बार बार तारीख का बल बता रहे तब बढ़ाते रहे, और आज क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में फिर भी कई जगह किसानों ने कहा कि हमारा तो रह गया, तो भारत सरकार से फिर अपील की है कि 5-7 दिन और बढ़ा दो, कम से कम उन दिनों में जहाँ बाढ़ का पानी आ गया था, और प्रशासन को रखना पड़ा बाढ़ के काम में, बैंकों में भी वैसी व्यवस्था नहीं बन पाई, हालांकि इतवार के दिन भी खुलवा के बैंक और बीमा करवाने का काम था, इतिहास में पहली बार हुआ, डॉन पिटवा पिटवा के चलो भैया चलो भैया चलो भैया, ऐसी सरकारें कभी होती है, ये फिर भी रह जाओ तो हम कोशिश करेंगे। और सुनो मेरे गरीब भाइयों, भी गरीब बहनों और भाइयों को जिनको राशन नहीं मिलता था उनको भी परसों से राशन देना शुरू कर दिया जाएगा, 1 रुपया किलो पानी, बाढ़ में लिखे घर घूम गए पानी रुक गया था उनको तो 50 किलो राशन अलग से गेहूं चावल देंगे ही हम, ताकि इस तरह के भोजन की बेहतर व्यवस्था बन जाए, और
बाघ की राहत मिलेंगे आरबीसी 6-4 की, किसान को आरबीसी 6-4 की राहत मिलेंगे, और फसल का सर्वे करके फसल बीमा आयोग करवा के फसल बीमा योजना का लाभ भी देंगे, और दोनों मिला के लगभग हम नुकसान की भरपाई कर देंगे। ऐसे समय किसान घर में नहीं किया जाएगा, और 6-4 के लिए 25 साल के जो उन्हें दबा के बैठ गए आते ही हमने पहले तो 2100-3100 करोड़ रुपए किसान के खाते में डाले, और अब हम दे रहे हैं 6 तारीख को 4,600 करोड़ रुपया 20 लाख किसानों के खाते में डाले जाएंगे। संकट के समय हम किसान के साथ खड़े। उस सरकार की तो कई गड़बड़ है, कहेंगे तो आज ज्यादा समय हो जाएगा। उन्हें बीमा जो पिछली बार करवाया कुल जो ऋण था उसका केवल 75%, हम क्या 75 नहीं 100% का होगा, हमने 100% का करवाया ताकि किसान को ज्यादा राहत मिल सके। और फिर मेरे किसान भाइयों और मेरे गरीब भाइयों, आप कोई परेशान ना रहे, हमारे कर्मठ मंत्री लगातार घूमते रहेंगे, चौकसी रखेंगे, कलेक्टर कमिश्नर आईजी एसपी सब संलग्न रहेंगे नीचे तक, ताकि आपकी बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके। और इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशानी है लेकिन दूर करने के लिए तो हम लोग आए, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस संकट के पार ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माने अमर सिंह पटेल जी।